अब हम पढ़ेंगे क्रीपी क्रॉली क्रीचर, मतलब रेंगने वाले कीड़ों के बारे में, जिन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, ये उड़ते हैं और क्या करते हैं, क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। तो बेड बग, जिसे हम खटमल कहते हैं। बटरफ्लाई, तितली, बहुत ही सुंदर इंसेक्ट है। इसके कलरफुल विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। और तितली क्या पीती है, फूलों से रस को पीती है। लेडी बग, लेडी बग मोस्टली आपने कहाँ देखा होगा, पत्तों पर, पार्क में। ये बहुत छोटा सा होता है, रेड और ब्लैक कलर का। नेक्स्ट वन इज कैटरपिलर, कैटरपिलर हरे रंग का होता है। और कैटरपिलर बाद में जाकर क्या बनता है, बटर फ्लाई। नाउ ड्रैगन फ्लाई, ये उड़ती है। इसके देखिए कैसे होते हैं, पंख होते हैं जो इसे उड़ने में हेल्प करते हैं। नाउ मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर काटता है तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। और मच्छर से क्या होती है, बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, डेंगू मलेरिया। ये किससे फैलते हैं, मच्छर से। इसलिए हमें अपने घर में क्या लगानी चाहिए, गुड नाइट या फिर मॉस्किटो किलर लगाना चाहिए। हनी बी, मधुमक्खी। हनी बी हमें क्या देती है, उसके नाम में ही छुपी हुई है, उसके नाम में छुपा हुआ है हनी। तो हनी बी हमें देती है हनी, ये रहने के लिए घर बनाती है, जिसे हम छत्ता कहते हैं। बी हाइव। ग्रास होपर, जिसे हम केकड़ा कहते हैं, ये हरे रंग का होता है। लेकिन किसान को ग्रास होपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये किसानों की फसल को खा जाता है। आंट, चींटी, दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन जब ये बाइट करती है तो बहुत तेज करती है। आंट कहाँ रहती है, आंट हिल में। नेक्स्ट वन इज हाउस फ्लाई, मक्खी। मक्खी गंदी जगहों पर बैठती है, ये घरों में भी देखते हैं और कई बार आप बाज़ारों में देखते हैं, जहाँ पे खुले वेंडर्स, मतलब खुले खाने पीने की सामान मिलते हैं, वहाँ पे चारों तरफ क्या होती हैं, मक्खियाँ। और गंदगी में भी, इसीलिए तो कहते हैं हमें अपना घर और अपने आसपास की सारी जगहों को साफ रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ कॉकरोच। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है कॉकरोच से। ये उड़ते भी हैं, क्रॉल भी करते हैं, और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत गंदगी होती है। नाउ सम आंसर टाइम। विच इंसेक्ट गिव अस हनी, कौन सा इंसेक्ट हमें हनी देता है। हनी बी, HONEY, हनी BEE। विच इंसेक्ट हैज़ कलरफुल विंग, कौन से इंसेक्ट के कलरफुल विंग्स होते हैं। बटर फ्लाई, तितली, इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। लास्ट वन, नेम द इंसेक्ट दैट लिव्स इन अ ग्रास, कौन सा इंसेक्ट ग्रास में रहता है। उस इंसेक्ट के नाम में भी ग्रास आता है। यस यू आर राइट, दैट इज ग्रास होपर। नाउ टाइम फॉर सम मेमोरीज। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर हैविंग सिक्स लेग्स। आपको पता है इंसेक्ट बहुत छोटे क्रिएचर्स होते हैं, और इनकी क्या होती है, सिक्स लेग्स। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, सिक्स लेग्स होती हैं सभी इंसेक्ट्स की।